हेलो मेरे यारो, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका एक बार फिर से एक और रिएक्शन लेके। सो अभी जो ट्रैक हम सुनने वाले हैं उसका नाम है पाब्लो बाई मुफाड़, यानी हमारे महाराज फ्रॉम इस ईपी लव बाइट्स। तो भाई बस अभी ईपी फेंकने के मूड में है। पहले आया था सैलाब, उसके साथ में चल रहा था गुलाब, और अब आ चुका है लव बाइट्स। तो भाई हम आ चुके हैं, तो समय बर्बाद हम बिल्कुल नहीं करने वाले। वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द मुफाड़ फैंस, टू ऑल द प्रजा, यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट आई वांट, subscribe to this channel and make your boy grow. So let's start it. A bang. Pablo Maharaj. Okay. So बस आर्टवर्क में देखो, कोई बंदा है, बंदे की हाथों में जॉइंट या फिर सिगरेट सुलग रही है, और वो एक व्हाइट पाउडर से गुलाब बना हुआ है। दैट व्हाइट पाउडर मीन्स ड्रग, और यू कैन कॉल्ड कोक। एंड कहीं ना कहीं गाने का टाइटल भी है पाब्लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रग डीलर। तो हो सकता है चीजें इंटर रिलेटेड हो सकती है, गॉड नोज ब्रो। सो लेट्स चेक इट। आने को तो कितनी ही लड़कियां आके गए, वो जाने से पहले मुझे कान में बता के गई, पास बुला के बोली यू नो आई ओन दैट स्माइल, इसलिए मैं रोया नहीं जब से मुझे हंसना सिखा के गई, नजरों से बचा था नजर बटूसा में। ब्रो मुझे मुझे मतलब बाकियों का नहीं पता, बट ये जो मेलोडियस फ्लो है मुफाड़ का मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तुम पूरे गुलाब ईपी को ले लो, सारे गाने जो थे बहुत ही शानदार और बहुत ही मजे वाले थे, मतलब एक पॉजिटिव वाइब वाले थे, और ये गाना भी कहीं ना कहीं वैसा है और मजेदार है। सो चेक करते चलो। इसलिए मैं रोया नहीं जब से मुझे हंसना सिखा के गई, नजरों से बचा था नजर बट्टू सा मैं, देखा पहली दफा तभी लट्टू था मैं, चलते रस्ते पे साथ दोनों जश्ते थे साथ, उसे खोने की बात तो अव्वल दर्जे का फटू था मैं, लव स्टोरी है। टॉकिंग अबाउट हिज गर्ल और टॉकिंग अबाउट हिज लवर की, जिसके खोने के बाद से मुझको डर लगता था, मेरी फट जाती थी यार कि अगर इसको खो दिया, ये अगर कहीं चली गई तो मेरा क्या होगा। सो मीन्स इट सीम्स लाइक अ ट्रैक दैट इज डेडिकेटेड टू हिज लवर। देखते हैं। दोनों जश्ते थे साथ, उसे खोने की बात तो अव्वल दर्जे का फटू था मैं, लव स्टोरी ऐसी बनी होगी मूवी नहीं, ये वो नाव नहीं जो पड़ी हुई है डूबी कहीं, फेंक देती बेबसी रोने को किसी कोने में, वो प्यार की कहानी भला कैसी जो अधूरी नहीं, उसको आईने में देखना नशे सा है, उसे लगे दिल मेरा साफ जैसे शीशा है, उससे सब दिख जाता मेरी आंखों में था, भले गम बताना हंस के मेरा पेशा है, लेके जा मैं ये हाथ में चीयर्स तेरे नाम पे, ना तेरे जैसा कोई था ना कोई तेरे बाद होगा, पागल हूँ मैं पाबलो सा, देन तेरी याद में बावलो सा। ओके पाबलो मीन्स ओके, पागल मैं पाबलो सा मीन्स ड्रग के पीछे जैसे लोग पागल रहते हैं, तो वैसे मैं तेरे पीछे पागल हूँ, समथिंग रिलेट कर सकते हो। यार मैं शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो फोकस इधर, कोई था ना कोई तेरे बाद होगा, लेके जा मैं ये हाथ में चीयर्स तेरे नाम पे, ना तेरे जैसा कोई था ना कोई तेरे बाद। That humming part was good. That humming part was lovely here. तू प्यारा इतना ज्यादा देगी तुझे प्यार, वो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा जो लिखेगा उसके लिए मेरी तरह, वो भी सुन के पक्का बोर होगी। मुंह पे बेइज्जती वो पीछे करती फ्लेक्स, वो इतनी ज्यादा सही थी मैं करता नहीं था बहस, मिसाल क्या दूं अपनी मैं मिसाइल हूं, निशाने पे थी तू ही हमेशा और रहेगी तू ही नेक्स्ट। Nice. वो पक्का वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, जो रिलेशनशिप में जो बातें होती हैं, जो कन्वर्सेशन होता है, वही सारी चीजें हैं यार। और क्या ही खूबसूरती से लिखा गया है, मजा आ रहा है सुन के। जो निशाने पे थी तू ही हमेशा और रहेगी तू ही नेक्स्ट, लेके जा मैं ये हाथ में चीयर्स तेरे नाम पे, ना तेरे जैसा कोई था ना कोई तेरे। सो महाराज के जितने फैंस हो यानी प्रजा हो, सो इज दिस द फर्स्ट ट्रैक फ्रॉम द ईपी लव बर्ड्स, बिकॉज मैं अभी एकदम यूट्यूब फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, किसके गाने कब आ रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने जस्ट अभी खोला था यूट्यूब की किस गाने पर रिएक्शन करूं, देखने के लिए बस लिस्ट की कौन से गाने आए हैं। सो ये पहला अभी 10 मिनट आगे ही रिलीज हुआ है, सो मैंने इस पर रिएक्ट कर दिया। तो इसके आगे भी अगर कोई गाने आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में कृपया करके मुझे जना दे, ताकि मैं उन पर रिएक्ट कर पाऊं। तो चलो अब गानों पर देखते हैं।
है ये तेरी जादूगरी, लगे तू बाजू खड़ी देखने को तुझे रहती दोनों ही ये आंखें भरी, छलके ये आंसू कैसे रोकूं मैं इस वक्त को बिन तेरे हर एक पल ही ये लगे जैसे नाजुक घड़ी, पीली धूप में काले काले बाल। नो मैन ही नो मुफार्ड नो हाउ टू राइट्स मीन ही इज अ काइंड ऑफ गाय हु कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब विद हिज पेन। बंदा जब लिखता है ना, मतलब आप उसको एक सीन बता सकते हो कि ऐसा सीन है ब्रो, मैं ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देयर इज अ गर्ल देयर इज अ बॉय बोथ आर लवर्स सो यू हैव टू राइट समथिंग इमोशनल और यू हैव टू पोर्ट्रे देयर लव स्टोरी। और बंदा मतलब दिमागी दिमाग में वो सीन कौन हॉर्न मार रहा है मेरे भाई, तो बंदा जो है वो दिमाग में ही अपना वो सीन क्रिएट करके ना इतनी खूबसूरत चीजें लिख देगा। मीन्स दैट समथिंग अ राइटर कैन डू और दैट समथिंग व्हाट यू कैन उसको क्या बोलते हैं कवि, कोई कवि लिख सकता है। एंड मुफार्ड कहीं ना कहीं ब्रो है वो पोइट कहीं ना कहीं है। वक्त को बिन तेरे हर एक पल ही ये लगे जैसे नाजुक घड़ी, पीली धूप में काले काले बादल हैं, लगी नजर जैसे फैल गया काजल है, लगाने वालों में ये दुनिया सारी शामिल, तुझसे बात भी करूंगा तो ये कह देंगे कि पागल है। मांगू आसमां से टूटा हुआ तारा तू, सबके लिए बिजी बस तेरे लिए आवारा हूँ, तेरी तरह मैं भी जिद्दी कैसे छोड़ूं तेरा पीछा, तू बस कर दियो इशारा मैं भी आ रहा हूँ। लेके जा मैं ये हाथ में चीयर्स तेरे नाम पे, ना तेरे जैसा कोई था ना कोई तेरे बाद होगा। मजेदार यार, लवली 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 ट्रैक यार, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मैंने जैसे गाने की शुरुआत में ही बोली थी, ये जो मेलोडियस फ्लो हो रहा है मुफाड़ की तरफ से वो मुझे काफी सही लग रहा है। एंड दिस सॉन्ग एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल नीचे नहीं था, वो एकदम वहीं पर था। बट द ओनली थिंग जो मुझे लगा कि और थोड़ा बेटर हो सकता था वो था हुक पार्ट, मतलब गाने के साथ हुक कहीं ना कहीं मिक्सअप हो गया। हुक अगर थोड़ा लो होता या फिर कुछ और दूसरा कुछ होता तो शायद और ज्यादा अच्छा लगता। That's as a listener, bro, as a, मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ, पर्सनल पर्सपेक्टिव है मेरे कि मुझे ऐसा पर्सनल फील हुआ, आपको कुछ और हो सकता है तो उसके लिए आप कृपया कमेंट में गाली गलौज ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, गाना काफी ज्यादा सही था। अगर इस ईपी की दूसरा ट्रैक भी आया हो तो वो आप कमेंट में बता दो ताकि आपका भाई उस पर फोकस करे, उस पर रिएक्ट कर पाए। सो मिलते अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम।